Fornication. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं आपके लिए द लास्ट थिंग मेरी शो का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और बहुत थ्रिलिंग सस्पेंस वाली मूवी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की स्टार्टिंग में एक बड़े से मेंशन में एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि एक बुक को खोलकर उसकी स्टोरी पढ़ने लगती है, और ये कोई होली बुक नहीं थी। सीन कट होता है और अगले सीन में हम दो कॉप्स को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जो किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उसे लेकर काफी उलझन में थे। एक ऑफिसर को ऐसा लगता था कि क्रिमिनल्स को कंट्रोल करके ये सब लूसिफर उनसे करवा रहा है, जो कि एक डेविल है, और उसे एक मौका देने का मतलब है कि डेविल को मौका देना और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑफिसर इन सब पर बिलीव नहीं करता था और हर चीज को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने को कहता है, और उसके हाथ में हम उसी बुक को देखते हैं जो कि उन्हें उसी घर में मिली थी जहाँ पर ये हादसा हुआ था और उस पर खून भी लगा हुआ था। फिर हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जिसका नाम मैरी था, जो कि सिर्फ 18 साल की थी और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि उसकी आंखों से कंटिन्यूसली खून बह रहा था। मैरी एक बहुत ही रिच फैमिली की बेटी थी और उसके घर में दो दिन पहले बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ था। मैरी पर आरोप था कि इस हादसे के पीछे और उसके ग्रैंडमा गायब होने के पीछे मैरी का हाथ है, लेकिन कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता था। पर अगर मैरी ने यह सब किया है तो उसकी आंखों की हालत ऐसी कैसे हो सकती है, जिसके बाद में वहाँ के लोग उसे भगवान की प्रेयर करने को कहते हैं, क्योंकि अगर वो डेमन से पजस्ट है तो ऐसा नहीं कर पाएगी। लेकिन मैरी बहुत ही आसानी से वो प्रेयर को बोल लेती है। असल पूछताछ स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैरी खुद उन्हें बताती है कि दो दिन पहले उसके घर में क्या हुआ था। मैरी बताती है कि वो एक लड़की से प्यार करती थी जिसका नाम एलेनोर था, और वो उसी के घर में काम करने वाली एक मेड थी। उन दोनों के इस लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में उसके पेरेंट्स को भी पता चल गया था, जिनका नाम एग्नेस और रैंडल्फ था। दोनों इस बात से परेशान थे क्योंकि इस समय ऐसा करना एक पाप माना जाता था। उन्होंने कई बार मेरी को रोकने की कोशिश की और समझाए भी, लेकिन मेरी ये एडमिट ही नहीं करती है। फिर इवेंचुअली वे लोग इस बारे में जानकर मेरी की ग्रैंडमा, जो कि उस फैमिली की हेड थी, उनसे बात करते हैं। ग्रैंडमा को इस मूवी में मैट्रियर्क नाम से बताया गया है और उनके पास में जादुई ताकतें भी थी। सभी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और सबको लगता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती है और उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती है। वे सभी उसी रात को एग्नेस के भाई ऑस्टेस और उसकी वाइफ एन को भी घर पर बुलाते हैं। ऑस्टेस को देखकर थियोडर, जो कि उस घर का गार्ड था, वो बुरी तरीके से घबरा जाता है और खुद को छुपाने की कोशिश करता है, जैसे कि कुछ पुराना और दर्दनाक हादसा उसके सामने आ गया हो। अब एग्नेस उन दोनों को कन्विंस करती है कि वे लोग एलेनोर को अपने साथ में ले जाएंगे, और वे उनसे कहती है कि एज ए मेड वो बहुत अच्छी है और उससे सारा काम आता है, इनफैक्ट वो पढ़ाई लिखाई भी जानती है। ऑस्टेस उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि उसके घर में भी उसका एक जवान बेटा था, पर कुछ सोच समझने के बाद में वे लोग उसे ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन एलेनोर को ले जाने से पहले वो उससे प्योर करवाना चाहते थे, क्योंकि उस समय में एक लड़की का दूसरी लड़की के साथ में रिलेशनशिप होना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता था। तभी मैट्रियार्क उन्हें घुटने पर बैठकर प्रेयर करने को सजेस्ट करती है, जिसमें मेरी एलेनोर को रात भर शॉवल पर घुटनों के बल नील डाउन करवाया जाता है, जिससे ये होगा कि जो भी उन दोनों ने गलती की थी उसकी सजा उन्हें मिलेगी, और उसमें उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, यहाँ तक कि उनकी नींद से खून तक आने लगा था। लेकिन मैट्रियार्क को उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है और रात भर ऐसा ही चलता रहता है। मेरी का एक छोटा सा भाई भी था जिसका नाम मैथ्यू था, जिसे इन सब चीजों से दूर रखा जाता था, लेकिन वो दरवाजे के पीछे से छुपकर सब कुछ देख लेता है। फिर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसकी बहन के साथ ये सब क्या हो रहा था और उसने ऐसा क्या किया है। सीन कट होता है और अगले दिन मैथ्यू अपने कजिन ऑस्टेस के बेटे से इस बारे में पूछता है, लेकिन वो भी उसे क्लियर नहीं बताता है और सिर्फ यही कहता है कि उन दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी सजा उन्हें दी गई है। फिर वो गार्ड थियोडर की ओर इशारा करते हुए ये कहता है कि एक बार थियोडर ने इस घर से भागने की कोशिश की थी और ऑस्टेस ने उसका पैर तोड़ दिया था, और फिर उसे कंटिन्यू एक वीक तक नील डाउन करवाया गया था, वो भी चावल के ऊपर, जिस वजह से थियोडर हैंडीकैप हो गया और अब तक ऑस्टेस से डरता है। थियोडर को उस फैमिली से कोई लगाव नहीं था, वो बस मजबूरी और डर के कारण वहां पर रह रहा था। अब एक दिन फिर से मैथ्यू छुपकर एलेनोर और मेरी को एक साथ देख लेता है, और तभी एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पैर में घुस जाता है, जिससे कि उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन मेरी उसे देख नहीं पाती है। फिर एक दिन मेरी मैथ्यू के रूम में जाती है तो मैथ्यू के पैर में चोट को नोटिस कर लेती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि घर के बाकी मेंबर्स के साथ मैथ्यू भी
उन पर नजर रखे हुए हैं। उसे एलेनोर से मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था, पर फिर भी एक दिन वो दोनों मिल लेते हैं और अलग अलग प्लान्स बनाने लगते हैं जिससे कि वे दोनों आपस में मिल पाए और साथ रह पाए। अब एक दिन हम एलेनोर को थियोडोर से बातें करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर वे लोग उसे अच्छा खाना भी खाने को नहीं देते थे। उसे सिर्फ खाने में दलिया दिया जाता था, उसे रोटी तक नहीं दी जाती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो उसे खाना देंगे तो आलसी हो जाएगा और वो ठीक से काम नहीं करेगा। एलेनोर कभी कभी चुपके से उसे खाना दे दिया करती थी, लेकिन ये बात वो किसी को भी नहीं पता चलने देती है क्योंकि अगर किसी को इस बात का पता चल जाएगा तो बेचारे को बहुत बुरी तरह पीटा जाएगा। एलेनोर उसे एक डील करती है और कहती है कि वो उसे और मेरी को मिलने में हेल्प करे क्योंकि दिन में तो उन लोगों का मिलना पॉसिबल ही नहीं है और रात के अंधेरे में वो और मेरी शेड में जाकर मिल सकती है और उस समय थियोडोर उनकी रखवाली करे जिसके बदले में एलेनोर उसे हर रात खाना देगी। और इस प्रपोजल से थियोडोर बहुत ही खुश हो जाता है और इसके लिए वो हाँ कर देता है। अब कुछ दिन तक वो दोनों बिना प्रॉब्लम के मिल रहे थे, लेकिन एक दिन जब वो दोनों मिलते हैं तो हम बाहर से किसी को नजर रखे हुए देखते हैं जो कि जाकर मैट्रिक को सब कुछ बता देता है और ये और कोई नहीं बल्कि ऑस्टेस था। अब अगले दिन फिर से उन्हें वही पेनफुल सजा दी जाती है, लेकिन अब उन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वे दोनों एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा डेस्परेट हो रहे थे। अब नेक्स्ट टाइम शेड में जाने के लिए एलेनोर गार्ड को और ज्यादा रोटियों का लालच देती है, लेकिन ये सब कब तक चलता रहता और कुछ रोटियों के बदले वो कब तक खुद को रिस्क में डालता रहता, इसलिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि उनका काम भी हो जाए और किसी को कोई डाउट भी ना हो। और इसके बाद थियोडोर एलेनोर को एक जहर की गोली देता है और ये जहर उन्हें पहले चिकन्स पर ट्राई करना होगा, फिर आगे का प्लान वो उसे बताएगा। मेरी एलेनोर से ये कहती है कि हमें ये सब करने की क्या जरूरत है, हम यहाँ से भाग भी तो सकते हैं, लेकिन एलेनोर अपनी जिंदगी छुपते छुपते नहीं जीना चाहती थी और अगर वो दोनों पकड़ा जाते हैं तो वो लोग उन्हें मार देते हैं। अब हम इधर मैथ्यू की नींद खुलते हुए देखते हैं और फिर एलेनोर मुर्गियों को वो जहर खिला देती है और वहीं पर रुककर एलेनोर उसी बुक में से एक स्टोरी को पढ़ने लगती है जो कि मेरी ने उसे गिफ्ट की थी, जबकि थियोडोर ने उन्हें वहां पर रुकने से साफ मना किया था। और तभी मेरी की नजर बाहर जाती है और मैथ्यू को वहां पर खड़ा हुआ देखती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताए, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसके साथ मैट्रिक भी वहां पर आई हुई थी। अब सडनली शेड में अंधेरा हो जाता है और मेरी एलेनोर को पुकारने लगती है और वो देखती है कि मैट्रिक ने अपनी जादुई शक्तियों से एलेनोर को हवा में लेविटेट करके रखा हुआ था और उसके गले को चोक करके अपने नाखून उसके गले में घुसा देती है। मैथ्यू को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे हिप्नोटाइज करके रखा गया हो। और फिर मैट्रियार्क मैरी और मैथ्यू को घर लेकर आ जाती है और उसके जाने के बाद में वो गार्ड एलेनोर से मिलने जाता है और उसे एलेनोर को ऐसे देखकर बहुत बुरा लगता है और फिर वो उसके हाथ में एक पॉइजन बॉल रखकर उसे आगे का प्लान बताता है। अगले दिन मैरी मैथ्यू का बैंडेज चेंज करते हुए उसे बात करती है जिससे कि उसे ऐसा लगता है कि शायद वो मैथ्यू है जो कि उनकी खबर जाकर मैट्रिक को दे रहा है, लेकिन वो इस बात से डिनाई करता है। रैंडोल्फ को मैट्रिक से बातें करते हुए देखते हैं जिसमें वो कहता है कि उसके पास में एक पुरानी किताब थी जो कि गलत हाथ में पढ़ने से किसी का खून भी करा सकती है, लेकिन अब वो किताब उसे नहीं मिल रही है और उसे ये भी लग रहा था कि शायद उस बुक का इफेक्ट मेरी और एलेनोर पर भी पड़ा है। वो मैट्रिक से एलेनोर को जल्दी से जल्दी इस घर से भेजने की बातें करता है और वहां से चला जाता है। फिर अब मैट्रिक चाय पीती है जिसमें एलेनोर ने जहर मिलाया था और उसे पीने के बाद में उसकी मौत वहीं पर हो जाती है और मेरी वहां पर जाकर उस कप को उठा लेती है और उसके मुंह से खून को भी साफ कर देती है। फिर वो जाकर घर के लोगों को इन्फॉर्म करती है और सब इसे एक नेचुरल डेथ समझते हैं। इस फैमिली का एक अजीब सा रिवाज था कि फैमिली के किसी भी मेंबर की डेथ होने पर उस दिन सभी लोगों को मौन रखना होगा। फिर वे लोग ये देखते हैं कि मेट्रा की एक फिंगर में मूवमेंट हो रही थी तो रैंडोल्फ उस फिंगर को तोड़ देता है जिसके कुछ देर बाद वो फिंगर काली पड़ जाती है। और थोड़ी देर के बाद में घर के बाहर एक लड़का आता है जो कि अपना फेस कवर करके रखता है और वहाँ पर चिकन बेचने के लिए आया हुआ था, तो थियोडोर उसे घर के पीछे बनी हुई रसोई में जाने के लिए कहकर उसे पॉइजन का पाउच देकर उसे एलेनोर को देने के लिए कह देता है और ये भी कहता है कि बदले में एलेनोर उसे इसकी कीमत दे देगी। फिर वो एलेनोर के पास जाकर उसे अपना फेस दिखाता है और उसका फेस आधा जला हुआ था, लेकिन एक्चुअल में ये उसका बर्थमार्क होता है और बताता है कि उसकी माँ ने उसे 3 साल की एज में मारने की कोशिश की थी क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि शायद एक डेविल का रूप है और उसी दिन उसने अपनी माँ को मारकर अपनी जान बचाई। वो एलेनोर को उसका पाउच दे देता है लेकिन बदले में वो एलेनोर का रेप करता है। अब उसका रेप करने के बाद में वो उससे एक रोटी मांगता है, लेकिन गुस्से में एलेनोर
उसकी एक उंगली काट देती है, जिसकी आवाज सुनकर मेरी वहां पर आ जाती है और लड़का रोटी उठाकर वहां से भाग जाता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर तभी वहां पर उनके घर वाले आ जाते हैं और डिनर के टाइम फिर से उन्हें सजा दी जाती है, जिसमें एलेनोर को चावलों पर नील डाउन करना होता है और मेरी को मैड बनाया जाता है। फिर वे सभी के लिए खाना बनाती है और सभी के चाय के कप में जहर के बॉल्स डालती है और बस एक कप को छोड़ देती है जो कि मैथ्यू का कप था। मेरी सभी को चाय सर्व करती है लेकिन मैथ्यू कप में बहुत ज्यादा शक्कर डाल रहा था, जिस वजह से रैंडोल्फ अपना कप उसे चेंज कर लेता है और मेरी करना चाहते हुए भी मैथ्यू उस कप की चाय को पी लेता है और मेरी उसे रोक तक नहीं पाती है। और इसके बाद एक एक करके सभी लोग मरने लगते हैं। रैंडोल्फ कुछ समझ पाता तब तक वहां पर वही चिकन बेचने वाला लड़का आ जाता है और वो रैंडोल्फ को शूट कर देता है और हम देखते हैं कि वो लड़का वहां से जाते वक्त थियोडोर से रोटी के बदले उसकी गन ले लेता है और थियोडोर को ही शूट कर देता है और वो गन लेकर अंदर घुस जाता है। वो लड़का एलेनोर से बदला लेना चाहता था कि तभी मेरी एलेनोर को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और उस लड़के को समझाने की बहुत कोशिश करती है और उसे कहती है कि वो और एलेनोर यहाँ से दूर चले जाएंगे और वो अकेला अब यहाँ पर रह सकता है। लेकिन जब वो लड़का नहीं मानता है तो एलेनोर खुद ही मेरी के पीछे से हट जाती है और वो लड़का गन से एलेनोर को शूट कर देता है, जिससे कि उसकी मौत भी वहीं पर हो जाती है और मेरी जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे याद आता है कि आज तो घर के सभी लोग मौन थे तो फिर उसे चिकन लाने के लिए किसने कहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। अब सडनली कोई पीछे से आकर मेरी का शोल्डर पर हाथ रखता है और पीछे उसकी ग्रैंडमा थी, जिसे देखकर मेरी शॉक्ड हो जाती है। फिर मैट्रियार्क उसे कहती है कि सभी को अपने किए की सजा मिल चुकी है और अब बस तुम बची हो, और ये कहकर मैट्रियार्क उसकी आंखों में अपनी उंगलियां घुसाकर उसकी आंखों को फोड़ देती है और वहां से गायब हो जाती है। अब जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो मेरी वही गाना गुनगुना रही थी जो कि अक्सर उसकी ग्रैंडमा गुनगुनाया करती थी। अब फिर सब कुछ जानने के बाद में मेरी को फांसी की सजा दे दी जाती है और उसके मरने के बाद उसकी भी उंगलियां हिलते हुए दिखाई जाती है, जिसके बाद में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि मेरी और एलेनोर एक दूसरे से प्यार करती थी और सेम सेक्स में प्यार करना उन लोगों के रिलीजन में पाप माना जाता था। मेरी की ग्रैंडमा जादू टोना और सब कुछ जानती थी और उसकी ग्रैंडमा उस पर कंट्रोल भी करती थी, लेकिन अपने प्यार को पाने की चाहत में मेरी और एलेनोर ने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। और मूवी के आखिर में हमने देखा कि मेरी ने अपने ग्रैंडमा को मार दिया था और उस दिन सभी ने मौन रखा था, लेकिन तभी वो लड़का चिकन लेकर आया था और उसे किसी ने भी चिकन लाने के लिए नहीं भेजा था। तो ऐसा हो सकता है कि ग्रैंडमा को अपनी शक्तियों से पहले से ही पता चल चुका था कि आगे क्या होने वाला है और इसीलिए ग्रैंडमा ने अपनी शक्तियों से ये कॉन्स्पिरेसी रची। ग्रैंडमा मर तो चुकी थी लेकिन उनकी स्पिरिट ने वापस इस दुनिया में आकर मेरी को सजा दी और वापस चली गई। जब पुलिस को मेरी और एलेनोर के द्वारा किए गए इस अपराध के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरी को फांसी की सजा दी, क्योंकि एलेनोर तो ऑलरेडी मर चुकी थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही डार्क हॉरर पर बना हुआ है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आपकी रिप्लाई जरूर करूंगा और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।